नमस्कार दोस्तों, आपका सुना स्वागत है एस टी वी नीरज सर। दोस्तों बहुत ही जो है न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर कुछ AGTA पे बताइए जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। सपोज करिए अगर UPTT की 2000 पोस्टें हैं, सॉरी UPAGTA की 2000 पोस्टें हैं, AGTA की सपोज करिए 2000 पोस्टें हैं। अब इसका जो है अगर 15 गुना हम बुलाएंगे तो 30,000 लोगों को क्या बुलाया जाएगा सिर्फ, जैसा कि जो है आयोग से खबर आ रही है। देखो मैं आपको बता दूं, ये संख्या ज्यादा हो सकती है, मैं आपको बता दूं 30 से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या कहते हैं क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बस अपनी जो है अपने जो है कर्मों को आप जो है आगे करते जाइए। कट ऑफ PET की मैंने जो बताई थी, बताया था 50 के ऊपर जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, या जो है 48 से ऊपर जो हमारे OBC हैं, ठीक है 40 के ऊपर SC हैं, 38 के ऊपर जो है ST या प्लस 38 के ऊपर जो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये सोच लेना इससे ज़्यादा जो है AGTA की कट ऑफ जाने वाली नहीं है, इससे कम ही रहेगी AGTA के लिए। मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं, अगर जनरल की बात करें तो मैंने 50 से 55 बताया था, तो इसकी कम ही रह सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी, कन्फर्म है 50 से कम होंगे, वो भी जेन जो है जनरल दे सकता है, ठीक है। OBC की 48 तो समझ लो 42 OBC वाले दे सकते हैं, SC की 40 तो SC की और कम जा सकती है, महिला की 35 बताया तो महिला की और 35 से कम ही जाएगी, अधिक नहीं जाएगी। इसलिए जिन्होंने पेपर दिया है और जो है मिला लिया है विभिन्न चैनलों से, YouTube चैनलों से, उनको पता चल गया है कि हमारे इतने सही हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं आएगा। 4 महीने में ये भी कहा गया है, 4 महीनों में आपको 30,000 वैकेंसी जो है पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, मतलब ये 4 महीने आपके लिए बहुत गोल्डन साबित होने वाले हैं। पहले जो भी हो गया हो उसको आप भूल जाइए, जिसका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, फिर जो है मेहनत करिए, और जो न्यू भर्ती असिस्टेंट की आएगी एग्रीकल्चर की, उसमें आप जो है मेहनत करिए। जो ये समय आपका है, ये समय आप बर्बाद मत करिए, इतनी ताकत इतनी मेहनत लगाइए कि मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्रीकल्चर वाला एग्जाम है या लेखपाल वाला एग्जाम जो आने वाला है, 8,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो आप उसको भी बीट करिए। लेखपाल है, AGTA है, बहुत सारी वैकेंसी या स्वास्थ्य संबंधी वैकेंसी आने वाली है, आप इतनी तगड़ी मेहनत करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। बार बार का मत किए, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं आएगा, इसके बाद जो है नहीं कुछ होने वाला है, इसलिए ये लास्ट मौका है, इसे आप पकड़ लीजिए और अपनी मेहनत को बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर पहुंचाइए। रात दिन मेहनत कीजिए, बिल्कुल पूरी फुल मेहनत कीजिए, पूरा फुल मेहनत कर दीजिए, ठीक है। तो इतनी मेहनत अगर करोगे तो आप को पक्का कोई जो है एक पद आपको चाहिए। भैया अगर सपोज करिए 2000 पद निकल रहे हैं तो इसमें आपको एक पद चाहिए, अपने आप को सिर्फ अपने से मतलब रखो, एक पद चाहिए, तब पर भी 1999 पद बचे हैं, दूसरों के लिए छोड़ दो एक ले लो। अगर ये भावना तुम्हारे अंदर नहीं जागृत होगी तो आप जो है पढ़ना छोड़ दीजिए, आप कोई नौकरी नहीं पा पाएंगे, फालतू में अपना वेस्ट समय को वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं, मैं अपने YouTube चैनल SDV नीरज सर पे पूरी हिंदी, पूरी GS, और ये तो मैं पूरा ख़त्म ही करूँगा, आपको YouTube चैनल पे सारे वीडियो मिलेंगे, इसके साथ जो है लेखपाल की हिंदी, लेखपाल की GS और ग्रामीण व्यवस्था, ये भी टॉपिक जो है पूरी मेहनत से आपको यहाँ पर कराएंगे। और जिन लोगों ने पेट का नोट्स लिया था, आप उनसे पूछिए कितने हमारे पेट के नोट्स से सही हैं, आप जिन लोगों ने पेट का नोट्स लिया था आप मिलाइए कि उससे कितना फंसा है,
तब जाके आप हमसे बात करिए, आप मिला के बताइए कि उस नोट से कितना फंसा है, क्योंकि वो नोट्स इतना तगड़ा था, कम से कम 100 में 70 क्वेश्चन नोट से फंसे हैं, आप ये सोच लीजिएगा। और न्यू जो AGTE लेखपाल का नोट्स अभी 15 से 20 दिन के बाद ही जो है उपलब्ध होगा। आप लोग फोन करके जो है बता रहे हैं सर नोट्स चाहिए, तो 15 से 20 दिन के बाद ही आपको जो है न्यू नोट्स मिल पाएगा। बाकी यूट्यूब पर सारी क्लासेस आपको जो है दी जाएंगी, सब कुछ। बस एक शर्त ये है कि आप हमारे चैनल को, हम पर डे हमको 500 सब्सक्राइबर चाहिए, पर डे 500 सब्सक्राइबर हमको दो, और हम तुमको जो है पर डे AGTE और लेखपाल का जो है पूरा जो है आपको जो है सिलेबस करवाएंगे, डेली आपको सिलेबस मिलेगा। इसलिए स्टडी विद नीरज सर को अपने दोस्तों में पहुंचाइए, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा, एक भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। आज से आपकी जिम्मेदारी है चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, फिर जाके मैं जो है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैंने इतनी बात कही क्योंकि बार बार मैं किसी चीज को नहीं दोहराता हूं। अपनी मेहनत इतनी ताकत झोंक दीजिए कि इस बार तो काम ही खत्म करना है, इस बार हमको नौकरी लेना है, क्योंकि नौकरी पाना आसान बात नहीं है, ये सोच लीजिए। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, अगर तुम जॉब पा जाओगे तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। आप देख ही रहे, आने वाला समय इतना भयंकर होने वाला है कि आप जो है उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि नौकरी की आपको कितनी आवश्यकता है। और अगर अभी मेहनत लोगे तो आने वाला समय अच्छा होगा, आने वाले समय को आप जो है जी सकते हैं, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने, मेरा मतलब है आपको बताना। हिंदी का सिलेबस, AGTE का सिलेबस मैं आपको जो है बताऊंगा क्या कहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।